तो अभी शुरू करते हैं हम, ये जो हमने ये पीछे पढ़ा ना, इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिटेल में दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है ये सारी चीजें को, ठीक। तो अभी आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर टाइम पास करने वाले, खाली देख के जाने वाले, एक दिन आए नहीं आए चले जाते। आप लोगों ने EMD दिया है, मतलब एक सिक्योरिटी अमाउंट दिया है कि यार ठीक है सर, मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स वाई आई एम विलिंग टू ज्वाइन, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, हमें तो पता नहीं हजारों फोन आते हैं, यही यही सेग्रीगेशन करने के लिए, यही सेग्रीगेशन करने के लिए क्लाइंट क्या रखता है, EMD क्लॉज रखता है। अगर वो ओपन बिडिंग कर रहा है, ओपन बिडिंग कर रहा है, ओपन टेंडर फ्लोट कर रहा है, और उसमें EMD का वो ना रखे, क्लॉज ना रखे, तो लाखों कॉन्ट्रेक्टर जो है ना पूरे देश भर से टूट पड़ेंगे टेंडर कोट करने के लिए। लेकिन क्या होगा वो, और वो किसके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो क्लाइंट के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि वो जो है ना वो हमेशा वो उलझा रहेगा, कितने सारे टेंडर कोट्स आ गए उसके पास, अरे उसका बंदा पागल हो गया, उसका कंपेरेटिव बनाते बनाते इतने सारे टेंडर आ गए, इतने सारे वेंडर आ गए अपना कोटेशन लेके, है ना। बट जहां पर EMD रहेगा, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो EMD 1% EMD रखते हैं, जनरली 1% EMD रखते हैं, तो 100 करोड़ का 1% कितना हो गया, 1 करोड़ रुपया। अब 1 करोड़ रुपया कौन देगा, हर किसी को तो नहीं दे, हर कोई तो नहीं देगा ना, जो रियली इंटरेस्टेड है वही देगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपया आपको कैश देना है, 1 करोड़ रुपया वो फॉर्मेट होता है, वो बैंक गारंटी के रूप में देता है, मतलब EMD बैंक गारंटी देता है या चेक दे देगा। बट एक एक उसके माइंड में डाउट रहेगा, भैया EMD अगर मैंने सही सीरियसली नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी, या मेरा पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। मान लो कल की डेट में क्लाइंट ने उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ले भैया, तो फिर वो भाग नहीं सकता है, वो पीछे बैकफुट पे नहीं आ सकता फिर उस केस में। तो अगर वो रियली इंटरेस्टेड है तभी वो उस प्रोजेक्ट में जो है कोर्ट करेगा, अदरवाइज वो निकल जाएगा। तो इसलिए उसको EMD यहाँ पर मांगा हुआ है, और EMD का यहाँ पर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप किस रूप में EMD सबमिट कर रहे हो, चाहे वो चेक के रूप में है, चाहे वो बैंक DD के रूप में है, चाहे वो आपका BBG के रूप में, EMD के उसके रूप में है, क्या बोलते हैं, गारंटी के रूप में है। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, और इसमें लिखना पड़ेगा सर जो जो आपने कंडीशन रखी थी, आई एक्सेप्टेड ऑल दोज, दैट्स वाई आई एम क्या, आई एम कोटिंग फॉर दिस वर्क, ठीक है ना, दैट्स वाई आई आई रियली मतलब विलिंग टू डू दिस जॉब, दैट्स वाई आई एम हेयर, ठीक। वो आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड है, टेंडरिंग है और ये थ्योरेटिकल है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है हमारे को। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि साइट पे जाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, बिना साइट पे जाए आप वर्क ऑर्डर ले लोगे, बोलो भाई क्यों भाई सर साइड जाना जरूरी है सर, साइड जाना से ही पता जरूरी है, चलेगा सर कितना क्या पता क्यों वीक चलेगा, लगना चाहिए सर, उससे क्वांटिटी पता चलेगा सर वर्किंग का, और क्या क्या चीज जरूरी क्वांटिटी पता डिलीवरी चलेगा। कोटिंग और और ओएस क्या, अरे ऐसा ना हो पता चला जहां पर क्लाइंट ने आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा है, मान लो सपोज करो कि आपका जो है कंस्ट्रक्शन करना है, यहां पर आपको क्लाइंट ने बोला भैया देखो ये हमारा जो है उसने वर्बली लिखा हुआ है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो तो ड्राइंग देगा किसकी, वो ड्राइंग देगा आपको साइट की, ठीक है। अब साइट में नक्शा वक्शा बना रखा है उसने, उसने कहा भैया ये रोड है और यहां पर मेरा प्लॉट है और इसके बीच में डिस्टेंस है मेरे मात्र 50 मीटर का, 50 मीटर का डिस्टेंस है बस, ठीक है। उसने ये आपको डाटा दिया ड्राइंग्स में, क्या इतना डाटा सफिशिएंट है आपके लिए? साइट पे जाना क्यों जरूरी है? पहले तो आपको साइट पे जाने से पहले ये पता करना पड़ेगा भैया ये प्लॉट किसका है, क्या यहां से मेरे लिए एक्सेसिबल है साइट पे एंट्री करना। अगर एक्सेसिबल होगा तो आपका टाइम बच जाएगा ना, मतलब मटेरियल को लेने ले जाने का, भाई मेन रोड से बगल पे ही है, ठीक है। पता चला आप बिना साइट पे गए जो है काम ले लिया,
और इस प्लॉट वाले ने आपको मना कर दिया, भैया तुम इधर से नहीं जाओगे मटेरियल लेके, मेरी तो इससे बनती नहीं है, 1 करोड़ रुपए जमा किया था, मुझे तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे दो, मेरे को ब्याज चाहिए इस पे। तो क्लाइंट कह रहा है नहीं भैया कोई मैं ब्याज व्याज नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मुझे इन कैश नहीं दे रहे हो ये पैसा, मुझे डीडी के रूप में दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक के पास पैसा है, जिस दिन मैं इसको विड्रॉ करूंगा उस दिन जो है मैं मेरे पास आएगा, अदरवाइज तो ये बैंक में है, तो इसके ऊपर मेरे से ब्याज वगैरह के कोई भी कल आप क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकंड थिंग, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होगा, उसके 28 दिन के अंदर आपकी ईएमडी जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं मैनेजर जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, उसके बाद जो है समझे। और ईएमडी एक चीज बताओ, कोई भी बैंक जो है गारंटी क्यों देता है, किसी की भी बैंक गारंटी क्यों देता है, मालूम है क्या होता है बैंक गारंटी, मालूम है किसी को बैंक गारंटी होता क्या है, बैंक गारंटी क्या होता है भाई, ये होता क्या है, बैंक किसी का भी गारंटर कब बनता है, या तो जब उसको आप, लगे कि हाँ बोलो, सर, जब वो बैंक को लगे कि ये काम पूरा कर सकता है, उसकी हिस्ट्री देख के तो बैंक गारंटी देगा अपनी तरफ से। क्यों देगा भाई, बैंक ऐसे ही गारंटी नहीं देता किसी भी गारंटर। आप जाओ कल जी, सर जी मेरे को 2 करोड़ का गारंटर, मेरा 2 करोड़ का गारंटर बन जाओ आप, बैंक मेरा आपके बैंक अकाउंट में खाता है, मेरा खाता जो है ना आपके बैंक में है और इतने साल से है, मेरा गारंटर बन जाओ सर, 2 करोड़ रुपए मेरा को मांग रहा है कोई, उसके गारंटर बन जाओ, मुझे खाली लिख के दे दो कि हाँ जी मैं इसका गारंटर हूँ, अगर कल की डेट में भाग भी जाए, जैसे मोहित जो हमारे ये बड़े बड़े नीरव मोदी वगैरह जो है ये इसीलिए तो भागे हुए हैं, बैंक गारंटर बन गया था बीच में, वो पैसा लेके भाग गए सारे, आज बैठे हुए जाके बाहर, तो यही गलती हो गई वहां पर, गारंटर तो बन गए, अब बैंक रिकवर कहां से कर रहा है, लेकिन उनके पास बैंक के पास कुछ ना कुछ एसेट रहता है कंपनी का या उस बंदे का, बैंक क्या एसेट रखता है अपने पास, ज्वेलरी ठीक है, या कैश रखेगा अकाउंट में, या क्या रखेगा, या प्रॉपर्टी के पेपर रखेगा उतनी वैल्यू के जितने की उस वो गारंटी चाह रहा है, ठीक है, जितने की वो गारंटी चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है बैंक, जब जब आप ये बैंक में आप अकाउंट खुलवाओगे और उसमें मान लो 2 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए आपको, तो 2 करोड़ रुपए अकाउंट में डालो, जब आप बैंक में अकाउंट में डाल दोगे 2 करोड़ रुपए, तो आपको बैंक फिर गारंटी बना के देगा, या आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ दिस पर्सन, अगर ये कल की डेट में आपके साथ कोई भी फ्रॉड करता है, देन यू कैन क्लेम फ्रॉम मी, आई विल पे यू, समझ रहे हो, तब बैंक के गारंटी गारंटर बनेगा आपका, अदरवाइज वो क्यों बनेगा गारंटर, उसको क्या मतलब बन रहा है, ठीक। तो बैंक गारंटी जो है ऐसे ही ईएमडी बैंक गारंटी या परफो कोई भी बैंक गारंटी है, वो इसी उसका प्रोसेस यही रहता है कि आपको जो है क्लाइंट को वो बैंक गारंटी देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके सर बाद जो है, गारंटी में, हाँ सर जो भी डॉक्यूमेंट देंगे सर वो गारंटर का ही रहेगा सर, जैसे जो भी ले रहे हो उसका पर्सनल नाम का ही हर कागज में नाम रहेगा तब बिल्कुल, मिलेगा। जिसके नाम पे वो बैंक गारंटी अलॉट कर रहा है, बैंक गारंटी गारंटर बन रहा है ना जिसके नाम से, तो उसका 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 पूरा का पूरा उसी का ही रहना चाहिए डॉक्यूमेंट, अदरवाइज बैंक गारंटर बनेगा क्यों, तुम आज कह दो सर जी मैं तो, मेरा बैंक गारंटर मोदी है, मेरे मेरे भी यहाँ पे मोदी के पेपर रख लो, मोदी साहब है मेरे गारंटर, मेरे भी गारंटर मोदी साहब है, आप मेरे गारंटर बन जाओ, मेरे गारंटर मोदी साहब है, दे दो मेरे को 2 करोड़ रुपए लेकर लोन, अब तो जानते हो उनको अच्छी अच्छी पूरी दुनिया जानती है मोदी साहब को, बन जाओ मेरे गारंटर, ये नहीं होता, आपके ही डॉक्यूमेंट लगेंगे वहां पर, ठीक है, आपके ही डॉक्यूमेंट लगेंगे तभी बैंक गारंटर बनता है, ठीक। तो ये जो है ये चीजें हैं, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि टेंडर जो है ना बहुत बड़ा है, अभी अभी स्टार्टिंग किया हमने, इसके आगे अभी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बट आज इतना ही इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अब देखो भैया, अब जो है नेक्स्ट क्लास जो है 10 बजे की जगह 10 बजे होगी, ठीक है, संडे को हम टेंडर को क्लोज कर देंगे, संडे को अपना टेंडर कंप्लीट कर देंगे, मतलब ये टॉपिक जो है कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो भी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, भैया संडे को आ जाना, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, 10 बजे हम लोग करेंगे, उस दिन आ जाना, और फिर मंडे से अपना इंटीरियर फिट आउट कर चलेंगे, और इसमें संडे को बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, अभी तो हमने बेसिक किया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, ठीक। और कल और परसों अगर भैया किसी को जिसको भी ज्वाइन करना है ना, कल मुझे टेक्स्ट डाल देना यार, क्योंकि मैं पता चला आ गया यहाँ पर, ठीक है, और कोई आया नहीं तो फिर फायदा नहीं है,
जिसको भी ज्वाइन करना हो कल वो कर लेना, कल कंडक्ट करेंगे ठीक, कल 8 बजे ही कंडक्ट करेंगे, कल और परसों ठीक है। मुझे टेक्स्ट कर देना जो जो ज्वाइन करना चाहता है कल और परसों में ठीक। चलो ठीक है, फिर संडे को मिलते हैं सुबह में ठीक। ठीक है भाई, आया समझ में? आज जो करवाया वो डाउट समझ में, उसमें कोई डाउट है? क्लियर है ना ये? इतना तो क्लियर हो गया? हाँ भाई नफीस, आप एक काम करना, जो जो साइट पे है ना अपने जाके ना टेंडर डॉक्यूमेंट खोल देना एक बार जाके, टेंडर मांगना कंपनी का, जो भी प्रोजेक्ट का टेंडर है ना उसको खोलना, उसको पढ़ना, कुछ पेजेस उसको पढ़ना ठीक है, समझ गए? तो आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा मेरे को बताना परसों, सर मैंने ये चीज देखी थी, ये चीज मैं पूछूंगा टेंडर में थी कि नहीं थी ठीक है। तो टेंडर जाके एक बार जरूर पढ़ना, आपको क्वांटिटी सर्वेयर के पास होगा, आपके साइट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास होगा, तो एक बार तुम्हारे पास तो होगा सुभाष, तुम्हारे पास तो रखा होगा टेंडर? हाँ जी ठीक है ठीक। चलो फिर मिलते हैं कल परसों, चलो ओके।